दोस्तों पढ़ाई करने का तरीके प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग होता है, लेकिन दोस्तों लक्ष्य सभी का समान होता है, इसलिए आपको भी सही दिशा निर्देश के अनुसार ही पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में पढ़ाई करने के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, यदि आप उन टिप्स को फॉलो करने लगे तो आपको पढ़ाई करने में हेल्प और सहायता मिलेगी, इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। टिप्स नंबर वन, माइंड को कंट्रोल करें। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तब उस समय आपके मन में अजीबोगरीब विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिस कारण आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, जिस कारण दोस्तों आप जो कुछ भी पढ़ते हैं कुछ समय बाद भूल जाते हैं। यदि दोस्तों आप इस बीमारी से ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक जगह पर कंट्रोल करें और पढ़ाई के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। हालांकि दोस्तों ऐसा करने में शुरुआत में आपको काफी ज्यादा परेशानी और दिक्कत होगी, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपने माइंड को एक जगह पर एकत्रित या कंट्रोल करने की कोशिश करें, इससे आपको काफी ज्यादा पढ़ाई करने में हेल्प मिलेगी। नंबर टू, दोस्तों जिस जगह पर आप पढ़ते हैं उस जगह को समय समय पर चेंज करिएगा। अपने पढ़ाई का स्थान ऐसी जगह पर चुनें जहाँ पर शोर न हो, परेशान करने वाला कोई न हो और जहाँ आपको शांति मिले, आप सुकून से पढ़ाई कर सके। और दोस्तों वहाँ पर आपका मन भी लगेगा, शांत वातावरण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे पढ़ाई करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। टिप्स नंबर थ्री, पढ़ाई से संबंधित सुविचार पढ़े। सकारात्मक विचार पढ़ने से मन को ऊर्जा मिलती है जिससे आपको कुछ करने की प्रेरणा और मन को विश्वास दोनों बढ़ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर सकारात्मक विचार होना अति आवश्यक है क्योंकि पढ़ाई करना किसी तब से कम नहीं होता है। टिप्स नंबर फोर, योगा को अपनाइए। योग करने से हमारा मन और बॉडी पूरी तरह से संतुलित और स्वस्थ रहता है और ऊर्जा भी हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में बनी रहती है जिससे ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक और आसान हो जाता है और इसका सीधा असर हमारी स्टडी लाइफ पर पड़ता है। योगा से मन तरोताजा रहता है जो पढ़ाई करने में काफी ज्यादा तक हेल्प करता है। टिप्स नंबर फाइव, दोस्तों अपने टाइम को फिक्स कीजिएगा। आपने सुना होगा जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा शकर है जो रंग को राजा और राजा को फकीर बना सकता है, इसलिए अपने समय को सही जगह पर उपयोग करें और पढ़ाई करने के लिए अपना टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। इस टाइम इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। तो पढ़ाई करने के बीच में टाइम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए अपने टाइम को फिक्स कीजिए। टिप्स नंबर सिक्स, नोट्स बनाइए। इससे पहले आपके पास एक नोट्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे पढ़ना है। अधिक सरल हो जाता है जब आपको पता होता है कि आज क्या करना है। दोस्तों पढ़ाई करने से पहले और पढ़ाई करने के बाद दोनों तरह के नोट्स आपके पास होना अति आवश्यक है। टिप्स नंबर सेवन, पर्याप्त मात्रा में नींद लें। दोस्तों सोने के लिए भी एक समय निर्धारित करें। एक रिसर्च के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए जिससे आपका दिमाग पहले की तुलना में काफी ज्यादा फ्रेश और शांत हो जाता है। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।